नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को होगा। ये ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अटलांटिका और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इस साल बुध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण एक ही दिन पड़ रहा है। दृक् पंचांग के अनुसार ये चंद्र ग्रहण 4 घंटे 15 मिनट 34 सेकंड तक का रहेगा। हालांकि ग्रहण की अवधि स्थान के आधार पर अलग होती है। चलिए आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। ग्रहण के बाद ताजा पका हुआ भोजन ही करना चाहिए। गेहूं, चावल, अन्य अनाज और अचार जैसे खाद्य पदार्थों को कूशा घास या तुलसी के पत्ते डालकर संरक्षित किया जाना चाहिए, जिन्हें त्यागा नहीं जा सकता। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ये बेहद फायदेमंद माना जाता है। वहीं चलिए आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या खाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान कई चीजों को खाने की मनाही होती है। हालांकि बच्चे, बीमार और बूढ़े लोग केवल 1 प्रहर या 3 घंटे तक ही खाने की मनाही होती है। इसके अलावा ग्रहण काल में बालों या शरीर पर तेल लगाना आदि चीजें नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही हमारे चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।